नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। तुमरिया डैम में पाबंदी के बावजूद हो रहा है मछली अवैध शिकार, लाखों रुपयों का हो रहा है काला कारोबार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गृह जनपद ऊधम सिंह नगर और तुमरिया डैम के बेलगाम हुए अफसर ठेकेदारों से मिलकर अवैध रूप से मछलियों का कारोबार कर रहे हैं। हर रोज जमकर लाखों के बारे न्यारे भी कर रहे हैं, जिनकी सूचना शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कार्यवाही करने को तैयार नहीं। आपको बता दें कि जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में स्थित तुमरिया डैम पर इन दिनों मछली का शिकार करने पर पाबंदी रहती है। 3 महीने तक किसी भी तरीके से डैम से मछलियों को निकाला नहीं जा सकता, न ही बेचा जा सकता है। उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों की साठगांठ से ठेकेदार के द्वारा तुमरिया डैम में लाखों की मछलियां निकालकर बाजारों में नीलाम की जा रही है। नियम कानून को ताक पर रखकर हर रोज लाखों के बारे न्यारे कर रहे हैं। जिनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उसके बावजूद भी अधिकारी ठेकेदार पर कार्रवाई करने तैयार नहीं है। ग्राम प्रधान का कहना है कि अधिकारियों की साठगांठ से डैम में अवैध रूप से मछलियों का कारोबार किया जा रहा है, शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार। मालधन रामनगर से न्यू कॉबेट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओ यहाँ से सही नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई बात आए दे देंगे हमारा। नहीं नहीं नहीं, अरे कुछ मत कहो, कांटे पे ले लेंगे। कांटे पे कोई बात ही नहीं होता, कांटे पे ले लेंगे। ले ली मच्छी, बड़ी मच्छी देखेंगे। बड़ी नहीं है इसका। ले ली मच्छी, बड़ी मच्छी देखेंगे। बड़ी नहीं है इसका। तो तुमरिया डैम का जो ठेकेदार है वो अवैध रूप से जो है शिकार करवा रहा है, जबकि इस समय शिकार बंद है और अधिकारियों से मिला हुआ है। शिकायतों के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये लगभग जब से सरकार द्वारा मछली के शिकार को प्रतिबंधित किया गया है, लगभग 3 महीने के लिए प्रतिबंधित है सरकार ने जो प्रतिबंधित करा मछली के शिकार को, तब से लगातार ये शिकायतें सुनने को मिल रही हैं कि जी जो स्थानीय ठेकेदार है मछली विभाग में जेपी और जितेंद्र जो सरकारी विभाग में यहाँ कर्मचारी हैं, इनकी मिलीभगत से और उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से, क्योंकि बराबर उच्च अधिकारियों को फ़ोन करके ये हम बता रहे हैं कि जी यहाँ पे मछली का जो है प्रतिबंधित है, तो अभी अवैध शिकार हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। और उच्च अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी प्रतिबंधित अवैध शिकार को बढ़ावा देना वर्तमान में, क्योंकि 3 माह के लिए जो है और खासकर अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हमारे धर्म में तो बहुत ज़्यादा मानते हैं, और इस वक्त जो प्रतिबंधित शिकार को उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से जो करवाया जा रहा है मछली का अवैध शिकार, इसको संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से लाना मेरे लिए बहुत आवश्यक हो गया, इसलिए आप लोगों के संज्ञान में स्थानीय लोगों के मदद से लेके आ रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।